हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ इस बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पार्चुलका के बारे में, जिसको 9 o'clock भी करते हैं। और ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होता है, ये सुबह सुबह खिल जाता है, सुबह 8 या 9 बजे खिल जाता है और दोपहर तक खिला रहता है। दोपहर 12-1 बजे के बाद इसके फूल सूखने लगते हैं, लेकिन सुबह सुबह ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब खिलता है बिल्कुल गुलाब जैसा खिलता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसको आप लोग अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इस ये जब खिलने लगता है तो पूरा गार्डन जो है फूलों से सजा रहता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको चाहे आप छोटे पॉट में लगाइए, चाहे आप बड़े पॉट में लगाइए, इसमें फ्लावरिंग ज़रूर होती है। ये देखिए, मैंने छोटा छोटा पॉट में लगाया हुआ है प्लास्टिक के डिब्बे में, और इसमें तो वैसे आज कम फ्लावरिंग हुई है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं। पूरा गमला जो है, पूरा डिब्बा भरा रहता है फूलों से। ये देखिए, इसमें तो कुछ ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। कभी कभी कम फ्लावरिंग होती है और कभी कभी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और ये कई सारे कलर में आता है, वाइट है, पीला, गुलाबी, नारंगी, बहुत सारा कलर आता है इसका, और बहुत सारी वैरायटी भी आती है। कोई कोई होता है तो जो गेंदे जैसा खिलता है, और ये है इसकी इसे पतली पतली पंखुड़ी जैसा खिला है, लेकिन कलर इसका बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। आप छोटे से छोटे पॉट में भी इसको ऐड कर सकते हो और फ्लावरिंग ज़रूर होती है। ये देखिए, मैंने एक बाल्टी का डिब्बा था, ढक्कन था, उसमें लगाया हुआ है, जिसमें कम मिट्टी है, फिर भी फ्लावरिंग हो रही है। और ये छोटा छोटा डिब्बा है, इसमें भी मैंने लगाया हुआ है और इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आज तो कम खिला हुआ है देखिए, लेकिन कलियाँ बहुत सारी बनी हैं, हो सकता है कल या परसों तक खिले। इसमें उधर कलियाँ बनती रहती हैं और उधर फ्लावरिंग होती रहती है। तो इसको लगाने की बात करें तो इसको कटिंग द्वारा लगाया जाता है। और ये देखिए, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है और बहुत सारे फ्लावर खिल रहे हैं। तो इसमें रोज़ डेली इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते रहते हैं और ये पूरा गमला भरा रहता है फूलों से, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आज सुबह सुबह ये देखिए खिला हुआ था, तो मुझे लगा आप लोगों को भी दिखा दें और लगाने के लिए भी बता दें कि इसकी कटिंग कैसे लगाई जाती है। इसके सीड भी ग्रो किया जाता है, लेकिन सीड से जो है ये बहुत टाइम लग जाता है ग्रो होने में। और इसकी छोटी से छोटी कटिंग आप तोड़ के इस तरह लगाइए तो ये कटिंग से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए, कटिंग तोड़ लीजिए, उसको छोटा छोटा करके, चाहे छोटी कटिंग लगाइए चाहे बड़ी कटिंग लगाइए, इसकी सारी कटिंग चल जाती है। बस इसको कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसे तोड़ के और इसको चाहे जहाँ ज़मीन में गाड़ दीजिए तो ये चल जाता है। इसके लिए कोई अलग तरह से मिट्टी नहीं तैयार करनी होती है, चाहे जिस कैटेगरी की मिट्टी हो, सब में ये चल जाता है। इसको बहुत ही पुअर मिट्टी रहेगी उसमें भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और इसकी भी कटिंग इसी तरह से लगाई जाती है, इसकी चाहे छोटी कटिंग, बड़ी कटिंग, चाहे जो कटिंग, ऐसे तोड़ के आप ऐसे देखिए तोड़ लीजिए और उसको बस थोड़ा सा इस तरह से ज़मीन में दाब दीजिए और इसकी कटिंग चल जाती है। इसमें कोई भी वो नहीं रहता है, चाहे सुबह कटिंग लगाइए, चाहे शाम को लगाइए, चाहे जब इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप, और ये अच्छे से इसकी कटिंग जो है वो सर्वाइव हो जाती है और अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करना होता है कि इस तरह से कटिंग लगाएं, उस तरह से लगाएं, तभी चलेगी। बस इसलिए कटिंग लिया और इसको इस तरह से मिट्टी में दाब दिया और ये चलने लगती है। अभी बारिश का सीज़न है तो इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूँगी, बस कटिंग लगा के उसमें आप वाटरिंग कर दीजिए और वो चल जाता है। बस ध्यान दीजिए कि इसमें पानी ना रुकने पाए, पानी रुकने से ये होता है कि प्लांट सड़ जाते हैं। तो पानी निकलने के लिए एक ड्रेनेज होल ज़रूर बनाइए अपने प्लांटर में, जिससे कि वो पानी उसमें से निकल जाए। किसी भी पॉट में, जो पॉट में लगा होता है प्लांट, उसमें अगर पानी भरा रहता है तो प्लांट जो है वो सड़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी पॉट में प्लांट लगाइए तो उसमें एक ड्रेनेज होल ज़रूर बना दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा पानी जो हो वो बाहर निकल जाए। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड कीजिए। और इधर ये वाइट कलर का है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने सारे
वाइट कलर की ही कटिंग लगाई हुई है और ये भी पूरा कभी कभी तो बहुत ज़्यादा खिलता है और कभी कभी तो थोड़ा कम खिलता है, लेकिन ये पूरा वाइट वाइट भरा रहता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको मैंने थर्माकोल के डिब्बे में लगाया हुआ है, इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं आती है, थोड़ी सी जगह है। और ये देखिए ये पिंक कलर में खिला हुआ है, ये ऐसे इसी में कटिंग लग गई थी और ये अपने आप हो गया है इसी में। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से इसको लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। और इसमें जो फूल सूख जाते हैं तो वो देखिए इस तरह से काले काले इसमें जो है अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस तरह से उनको आप तोड़ते जाइए। फूलों को तोड़ के आप उसी पॉट में या फिर किसी और पॉट में डाल दीजिए, जिससे इनके फ्लावर से भी अच्छी खाद तैयार हो जाती है। और इसको तोड़ के इस तरह से आप उसी पॉट में डाल दीजिए, जिससे प्लांट भी साफ दिखेंगे और प्लांट के लिए खाद भी बन जाती है। तो इस तरह से ऐसे फूल को तोड़ के आप उसी प्लांटर में इसको डाल दीजिए, फेंकिए मत। इसको छत वगैरह पर गिर जाता है तो इससे छत पे दाग जो है लग जाती है, इसलिए इसके फूलों को तोड़ के उसी प्लांटर में आप डाल दीजिए, बहुत अच्छी खाद तैयार होती है इससे। और इस प्लांट को ज़्यादा कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही लो मेंटेनेंस केयर में ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। बस थोड़ा सा यही ध्यान देना होता है कि इसकी जो कलियाँ जो फूल सूख जाते हैं बस उसको इस तरह से तोड़ते जाइए। और समय समय पर ज़्यादा जब प्लांट बड़े बड़े साइज़ के हो जाए तो आप इसकी कटाई कर सकते हो, जिससे कटाई करने से ये होता है कि प्लांट थोड़ा घना हो जाता है। और थोड़ा ध्यान बारिश के मौसम में थोड़ा ये ध्यान देना होता है कि इसमें एक ड्रेनेज होल रहे और उसका पानी एक्स्ट्रा जो बाहर निकल जाए। पानी एक्स्ट्रा भरा रहता है तो वही प्लांट सूखने का थोड़ा डर रहता है। तो यही सब थोड़ा सा केयर करके इस प्लांट को अपने गार्डन में आप सर्वाइव कर सकते हो और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इधर देखिए ये भी मैंने छोटे छोटे डिब्बे में लगाया हुआ है और इसमें भी फ्लावरिंग आज कम हो रही है। और ये देखिए इधर भी मैंने लगाया हुआ है, छोटे छोटे डिब्बा है जो कि एक साथ रखा है और इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी लग रही है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।